कथा से संबंधित प्रश्न करना। बागेश्वर सरकार की जय हो। आपकी जय। मैं ये पूछना चाहती हूँ पंडित जी कि अभी जो कोरोना काल आया था उसमें बहुत से लोगों की जो मृत्यु हुई है तो उसमें मेरे ससुर भी एक्सपायर हो गए थे, तो जो क्रियाक्रम ठीक से नहीं हो पाया है, जो 13 दिन घर में पूजन पाठ जो होती है तो वो सुख शांति नहीं हो पाई है, तो उसके लिए अपन ऐसा कौन सा उपाय करें जो अपने को ऐसा लगे कि अपने को शांति मिली और मोक्ष को प्राप्त हो गए। बहुत सुंदर प्रश्न, समाज हित का, देश हित का आपने बहुत ऊंचा प्रश्न पूछा। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम रानी उपाध्याय। कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ पंडित जी। एक बार ताली बजाओ, बहुत बड़ा प्रश्न किया। कोरोना काल में जो शरीर दिवंगत हुए हैं देवयोग के कारण, और ऐसी परिस्थिति में जो क्रियाकर्म नहीं कर पाए, तो शास्त्र में वर्णन आया है कि भूलवश कोई बाहर मर जाए और उसका बाद में पता लगे या बाद में ध्यान आवे, तो 1 वर्ष के अंतर्गत कभी भी उसी विधि अनुसार जो है सूतक का निषेध कर लेना चाहिए, उस विधान को कर लेना चाहिए जिससे सूतक मिट भी जाता है, मन का मलाल भी हट जाता है और जो दिवंगत आत्मा है उस आत्मा की तृप्ति भी होती है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आज जरूर पूछ के आना। बहुत सुंदर प्रश्न, ये आप जवाब उनको भेज दीजिएगा, इनको कुर्ता वालों को दे दीजिए। हेलो। हाँ हेलो महाराज जी, आपके चरणों में समस्त बुंदेलखंड वासियों का चरण स्पर्श और मेरा चरण स्पर्श। मैं झांसी बुंदेलखंड के छोटे से गांव बड़ा गांव का रहने वाला हूँ। मैं पहले कथा नहीं सुनता था लेकिन आपसे 1 महीने से जुड़ा हूँ, डेली आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। आज आपने धनुष यज्ञ सुनाया है। मैं बचपन में 10 साल की उम्र में एक पाठ करता था जो लक्ष्मण जी का है, वो मुझे पाठ की 10 लाइन याद आ रही हैं। अगर आप आज्ञा करें तो मैं आपके चरणों में प्रस्तुत करूं। अपने चरणों में करो। रघुवंशन में जैते होई, तेह समाज अस कहे न कोई, कहीं जनक जस अनुचित बाड़ी, विद्वान रघुकुल मरि जानी, सच्चे योद्धा सच्चे छतरी, कभी अपमान नहीं सह सकते, जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते, रघुपंसी वीरों के होते ऐसा भी सदा कहे कोई, जैसी उल्टी सीधी बाड़ी मिथिलाधिराज ने आज कही, रघुवीर रामचंद्र जी के होते अनुचित बाड़ी क्या डाली है, यह शब्द हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है, मेरा तो स्वभाव ऐसा है, तोहीन ने मुझे गवाया है, है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। वाह, जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, तोड़ ले आऊं चांद सितारों को, सरमे की तरह पीस पास डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, तोहीन ने मुझे गवाया है, है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। सुनऊ राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया मुझको आदहधीर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।